और ब्रिज के ऊपर ओके एयरपोर्ट के पास कैसा डिसाइड किया इधर मैं 40 जाऊंगा इधर 60 जाऊंगा कंडीशंस के हिसाब से एक मेरा कंडीशन गाड़ी का कंडीशन रोड कंडीशन ट्रैफिक कंडीशन वेदर कंडीशन सब कुछ सही है चाहिए मैक्सिमम जितना अलाउड है सब कुछ नया गाड़ी रोड सब कुछ है मेरा कंडीशन ठीक नहीं है राइट मैं ठीक हूँ रोड ठीक है मेरा टैक्स ठीक नहीं है सब कुछ ठीक है बारिश आ रहा है उधर दिया 60 किलोमीटर स्पीड लेकिन रेन स्टार्टेड जाओ कंटिन्यू करो एक भी कंडीशन नहीं है उतना स्पीड नहीं जाना चाहिए जितना जी स्पीड से जाएगा उतना जोर से डैश होगा जितना जोर से डैश होगा उतना ही मरने का चांस है राइट सर अच्छा ये कौन सा 6th फ्लोर है ना 7th फ्लोर फर्स्ट फ्लोर ओके फर्स्ट फ्लोर से कूदा मरेगा हो सकता है क्या करना है 11th फ्लोर से जाना यानी 10-20 किलोमीटर स्पीड इंपैक्ट इज इक्वल टू फॉलिंग फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर 60-70 किलोमीटर इंपैक्ट इज इक्वल टू फॉलिंग फ्रॉम 11th जितना स्पीड बढ़ता जाएगा ना उतना ही चांसेस है होने का इंपैक्ट समझ में आ गया ऊपर से गिरने का और इधर गिरने का तो स्पीड का स्पीड मैनेजमेंट आप मैनेजमेंट आपके सामने कौन सा गाड़ी है वो स्लो की आप स्लो करना है वो स्पीड है वो स्पीड जस्ट वो मेंटेन करना पड़ेगा फॉलोइंग डिस्टेंस में देखते हैं ओके सो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा राइट कितना गैप रखना है टेल गेटिंग सर आप आ सकते हैं ट्रक चाहिए था नहीं आप आइए ओके ओके राइट सॉरी सॉरी हाँ इसको टेल गेटिंग